أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا Thank you.
He did company-sponsored management course at IIM Ahmedabad. He has attended many training programs related to management, communication, quality management, etc. From administrative staff, College Hyderabad. He rose to the level of work manager of Tosh plant. After retirement, he had started teaching as a professional. Now presently he is working in reputed school of Khurja and our public school as PGT English and as a director administration. Welcome sir, we are very glad to have you here and we love to hear from you. Thank you. तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी का बोझ था। तो
एक तो ये है कि अब आप ये समझते जाइएगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो हर इंसान की जिंदगी में वो एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो एक तो जिम्मेदारी का एहसास, ये पहला पॉइंट है कि आप एक टीचर हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। दूसरी चीज जो मैंने सीखी वो थी लगन। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे एक टीचर बनना है, और मैंने उसके ऊपर लगातार सोचना शुरू किया। मैं लोगों को देखता था, मेरे जो साथी टीचर्स थे, जो अच्छे रिप्यूटेड टीचर्स थे, मैं उनको देखता था और उसे जानने की कोशिश करता था कि उनमें वो क्या बात है कि वो एक अच्छे टीचर कहलाते हैं। तो आपने देखा कि दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए, जिम्मेदारी और उसके बाद लगन। तीसरी चीज़ इम्पोर्टेंट जो मैंने सीखी वो ये सीखी कि एक टीचर टीचर नहीं हो सकता अगर उसके अंदर नॉलेज नहीं है। ना नॉलेज भी जब हम जिसकी बात करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट नॉलेज तक ही सीमित हो, इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ जानना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किताब का लेसन ही नहीं पढ़ाते हैं, उसके अलावा जो चीज़ें आती जाती हैं उनको बेहतर समझाने के लिए आप और भी चीज़ों की इंफॉर्मेशन उनको देते हैं, जिससे कि उनके अंदर ये एक इंटरेस्ट डेवलप रहता है और फिर वो उसको कामयाब बनाते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि टीचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी मेथडोलॉजी क्या है, आप किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। एक नेता नेता नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर कम्युनिकेशन की हिम्मत है, जो कि वर्ल्ड रिनाउंड थे, ग्रेट साइंटिस्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी उन्होंने डेवलप की और बहुत सारे काम किए उन्होंने, तो वो थे। और एक डॉक्टर श्रीवास्तव थे। डॉक्टर श्रीवास्तव केवल एक एजुकेशनिस्ट थे, वो ऐसा कोई मशहूर आदमी नहीं थे। अब इन दोनों में फ़र्क देखिए, जब भी फखरुद्दीन साहब आते थे पढ़ाने के लिए तो हम लोगों का दिल चाहता था कि हम यहाँ से भाग जाएं और जाके कॉफ़ी हाउस में चाय पिए, और जब डॉक्टर श्रीवास्तव आते थे तो हम लोग बिल्कुल हर कहीं हर काम छोड़कर उनकी क्लासेस को अटेंड करने आते थे, क्योंकि वो उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। नॉलेज में फखरुद्दीन साहब बहुत ज़्यादा थे, प्रोफेसर थे, रेनाउंड प्रोफेसर थे, डॉक्टर श्रीवास्तव कुछ भी नहीं थे, लेकिन उनके अंदर पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। तो ये चीज़ें बढ़ा, इसको हम आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हम ये देखें कि आज 3 दिन हो गए हैं, 3 दिनों में वो कौन लोग हैं जिन्होंने 3 दिन अटेंड किए हैं क्लासेस? एनीवन एल्स हु हैज अटेंडेड? सर आपने आपने ओके ओके आपने आपने लेकिन अब सवाल ये है कि हमने आपसे अगर हम ये जाने कि हमने सीखा क्या, सब बहुत कुछ सीखा। What have you learned in these 3 days? कम्युनिकेशन के बारे में सीखा, साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए, और प्री स्कूल क्या होते हैं उनके बारे में सीखा। ओके, आप कुछ बताएं? सर, हमने कम्युनिकेशन के बारे में सीखा, और आपने जैसे बोला भी कि नॉलेज नॉलेज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड हमने प्रे प्रे के बारे में बताया था उन्होंने एजुकेशन के बारे में। जी, 15 बच्चे पढ़ रहे हैं और 8 साल पढ़ रहे हैं, और 5 साल हो गए तो कितने हो गए? 20 years. 75? Sir, 20 years. 19? 20 years. 15 बच्चे 5 साल. अच्छा. Anyway, ये देखिए कितने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और कितने बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, ये चीज अब हम देखेंगे। I'll continue with this. और क्योंकि मुझे सीक्वेंस याद नहीं रहता है तो मैं आई हैव रिटन डाउन, मैं लिख के लाया हूँ और उसको मैं नैरेट करूँगा। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूँ,
मैं डॉक्टर साहब उनकी पूरी टीम को ऊर्जा वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स को इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि ऊर्जे के अंदर हमारे स्कूलों में ही नहीं सारे स्कूलों में ऊर्जा के जितने भी स्कूल हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पर 5 दिन की सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस टीचर की वर्कशॉप जो है वो कोई ऑर्गेनाइज कर पाए। ये बड़ी कमेंडेबल बात है डॉक्टर, ये क्रेडिट गोज टू यू। वो आप मेरे सर पर मन देते हैं, मेरे साथ कोई क्रेडिट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसके अंदर ये देखना है कि ये काम जो शुरू हुआ है ये इसलिए शुरू हुआ है कि हमारे यहाँ तालीम का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही पुअर है, चाहे आप इससे एग्री करें या ना करें। अगर ऊर्जा दूसरी जगहों से 15 साल पीछे है तो हम लोगों का स्कूल जो है कम से कम नहीं तो 25 साल पीछे है। और इसको अपडेट करने के लिए हम लोग फास्ट करने के लिए जो है उसमें टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि इम्पोर्टेंट जो है वो इनकी मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है, पेरेंट्स की भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं आपके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं बच्चे की जिंदगी के साथ। एक चीज और बहुत अच्छी है कि आप सब जो हैं वो प्राइमरी टीचर्स हैं मेरे ख्याल से, am I right? Yes. अगर प्राइमरी टीचर हैं तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं सोसाइटी के लिए। ये जो सोसाइटी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये बच्चा जो है इसकी उम्र अच्छी होती है, फुल ऑफ एनर्जी होता है, इसको आप जैसा मोल्ड करना चाहेंगे जो कि वर्ल्ड रिनाउंड थे, जब अगर ग्रीक साइंटिस्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी उन्होंने डेवलप की और बहुत सारे काम किए उन्होंने, तो वो थे। और एक डॉक्टर श्रीवास्तव थे। डॉक्टर श्रीवास्तव केवल एक एजुकेशनिस्ट थे, वो ऐसा कोई मशहूर आदमी नहीं थे। अब इन दोनों में फर्क देखिए, जब भी फखरुद्दीन साहब आते थे पढ़ाने के लिए तो हम लोगों का दिल चाहता था कि हम यहाँ से भाग जाएं और जाके कॉफी हाउस में चाय पिए। और जब डॉक्टर श्रीवास्तव आते थे तो हम लोग बिल्कुल हर कहीं हर काम छोड़कर उनकी क्लासेस को अटेंड करने आते थे क्योंकि वो उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। नॉलेज में फखरुद्दीन साहब बहुत ज़्यादा थे, प्रोफेसर थे, रेनाउंड प्रोफेसर थे, डॉक्टर श्रीवास्तव कुछ भी नहीं थे, लेकिन उनके अंदर पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। तो ये चीज़ें बढ़ा, इसको हम आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हम ये देखें कि आज 3 दिन हो गए हैं, 3 दिनों में वो कौन लोग हैं जिन्होंने 3 दिन अटेंड किए हैं क्लासेस, आपने। लेकिन सवाल ये है कि हमने आपसे अगर हम ये जाने कि हमने सीखा क्या, कम्युनिकेशन के बारे में सीखा, साइकोलॉजी बच्चों की साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए और प्री स्कूल क्या होते हैं उनके बारे में सीखा। बच्चे पढ़ रहे हैं और हर साल पढ़ रहे हैं और 5 साल हो गए तो कितने हो गए, 20 years 15 बच्चे 5 साल अच्छा ये देखिए कितने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और कितने बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, ये चीज़ अब हम देखेंगे। आई विल कंटिन्यू विद दिस और क्योंकि मुझे इसका सीक्वेंस याद नहीं रहता है तो मैं आई हैव रिटन डाउन, मैं लिख के लाया हूँ और उसको मैं नैरेट करूँगा।
इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं डॉक्टर साहब उनकी पूरी टीम को, ऊर्जा वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स को, इन सबको मुबारकबाद देता हूं कि ऊर्जे के अंदर बीज को बोएंगे, नए पौधे इकट्ठा करेंगे और अलग अलग जगह पर लगा देंगे, फिर उनसे बड़े पेड़ बनेंगे, उनमें फल आएंगे। तो इस तरह से डॉक्टर शान ने भी एक पौधा लगा दिया और ये सारे फल बैठे हुए हैं, और जिनसे कि मुझे बहुत उम्मीद है कि आप में से भी कुछ लोग उठेंगे, खड़े होंगे कि हाँ, हम भी इस तरह से डॉक्टर शान की मदद से अपने यहाँ पर ऐसे चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए ना, सभिया का एक्टिव पार्टिसिपेशन देखकर मुझे ये लगता है कि शी कैन क्रिएट अ टीचर्स ग्रुप। आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं, एंड डॉक्टर शान, उनकी टीम, KWS ऊर्जा वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी मेम्बरान हैं, उनका कंट्रीब्यूशन, अलमास फाउंडेशन का कंट्रीब्यूशन, और उसके साथ साथ डॉक्टर नफीस का कंट्रीब्यूशन, अरे रिमार्केबल है, ये रिमार्केबल है। और हम लोग जो हैं उनके एंडेप्टेड हैं, उनका ये फर्ज है उनका कि उन्होंने हमको आके इतना वक्त दिया है, और आइंदा भी उनसे उम्मीदें हैं कि ये हमें और सिखाएंगे जो हम आपको पास ऑन करेंगे। और ऊर्जे में हमको ये बहस करना चाहिए, ये रेवोल्यूशन के बीच को बोएंगे, नए पौधे इकट्ठा करेंगे और अलग अलग जगह पर लगा देंगे, फिर उनसे बड़े पेड़ बनेंगे, उनमें फल आएंगे। तो इस तरह से डॉक्टर शान ने भी एक पौधा लगा दिया और ये सारे फल बैठे हुए हैं, और जिनसे कि मुझे बहुत उम्मीद है कि आप में से भी कुछ लोग उठेंगे, खड़े होंगे कि हाँ, हम भी इस तरह से डॉक्टर शान की मदद से अपने यहाँ पर ऐसे चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए ना, सभिया का एक्टिव पार्टिसिपेशन देखकर मुझे ये लगता है कि शी कैन क्रिएट अ टीचर्स ग्रुप। और व्हाट्सएप पर, लेकिन व्हाट्सएप फॉर गॉड से, डॉक्टर शाम साहब यहाँ बैठे हैं, उनसे भी मुझे बड़ी शिकायत रहती है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे उल जल उल वॉट एवर इट इज, अगर किसी दाढ़ी वाले का चेहरा देखा किसी वीडियो में तो पास ऑन कर दिया, बाद में देखा कि उसके अंदर है क्या। ये चीजें बिल्कुल गलत है। व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए है कि वो चीज जो आप कम्युनिकेट ऐसे नहीं कर सकते, उनको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कामों में वो आप शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। और आप यकीन जाने कि प्रॉब्लम आप बताएंगे, सोल्यूशन हम तलाश करेंगे, और आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे कभी कोई बड़ी तकलीफ होती है कि लेडीज का कंट्रीब्यूशन नहीं के बराबर, जबकि आप लोग 50% ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आपका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं सोसाइटी के लिए। और इसकी वजह से कभी हम लोगों ने सही अंदाज, एक तो गुनाहगार बनते हैं, दूसरे हमारा टाइम वेस्ट होता है। जरूरी ये है कि कंस्ट्रक्टिव, अगर आपने आधा घंटा भी कंस्ट्रक्टिव काम में दे दिया तो आप यकीन जाने फिर ये नशे की तरह आपको लग जाएगा और आप बहुत अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब आज के बाद से इंशाल्लाह 100% देने की कोशिश करेंगे। और मैं लास्ट में आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बड़ा पेशेंसली वक्त दिया, अपना इस ठंड के अंदर वक्त दिया, वरना हम लोग जब छुट्टी होती है तो हम लोग क्या चाहते हैं कि घर में पड़े रहें तो ज़्यादा चाहे, लिहाफ ना छोड़ के जाएँ तो अच्छा। और मेरा जैसा आदमी बुढ़ापे में तो और चाहता है कि मैं बिल्कुल ही ना जुड़ूँ तो अच्छा है, सब चीज़ वहीं मिल जाए मुझे। लेकिन आप लोगों ने बड़ा वक्त निकाला,
हम आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं एंड डॉक्टर शान उनकी टीम KWS होटल वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी मेम्बरान हैं उनका कंट्रीब्यूशन, अलमास फाउंडेशन का कंट्रीब्यूशन और उसके साथ साथ डॉक्टर नफीस का कंट्रीब्यूशन अरे रिमार्केबल है, ये रिमार्केबल है। और हम लोग जो हैं उनके एंडेप्टेड हैं, उनका ये फर्ज है उनका कि उन्होंने हमको आके इतना वक्त दिया है और आइंदा भी उनसे उम्मीदें हैं कि ये हमें और सिखाएंगे जो हम आपको पास ऑन करेंगे। और पुर्जे में हमको ये तहत करना चाहिए, ये रेवोल्यूशन की तरह ज़िंदगी में जितने भी रेवोल्यूशन आए हैं कहीं पर, चाहे कम्युनिस्ट का रेवोल्यूशन हो, चाहे वो कम्युनिस्ट के खिलाफ रेवोल्यूशन रहा हो, इसमें हर जगह हमेशा टीचर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। यू कैन चेंज द सोसाइटी माइंड, मगर ज़रूरत यह है कि हम लोग जो हैं अपने अंदर वो जज्बा वो जोश नहीं रखते, अपने आप को टीचर समझते नहीं हैं। आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। अच्छा मास्टर है आप? अच्छा मास्टर है, का मतलब यह है कि तुम सबसे गिरी कौम हो, तुम्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अरे अगर हम टीचर हैं तो इसका मतलब यह है कि सबसे गिरे हुए आदमी हैं हमारी। अगर तुम्हें हैसियत मालूम हो जाए, अगर तुमने हमें जरा सी भी तवज्जो दी होती तो हम वो करके दिखा सकते थे जो किसी ने भी करके नहीं दिखाया। तो इसके लिए आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने प्रोफेशन के ऊपर फख्र करें, यस आई एम अ टीचर, और उसको प्रूव करें ना। जब आप उसका बच्चा उसी आदमी का, अच्छा मास्टर है, जब उसका बच्चा आ जाता है आपके पास, अरे मैडम देख लीजिएगा कर दीजिएगा, फिर वो खुशामदें शुरू हो जाती। कभी भी पेरेंट्स के कहने पर बच्चों को प्रमोट न कीजिए, खुशियाँ दें, तरक्की दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। क्यों हम कॉन्शियस इसलिए होते हैं? एक तो हमें लोगों का फियर होता है, लेकिन आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, यू डोंट हैव द फियर। आपके अंदर अभी जो मुझे कमी समझ में आ रही है जिसकी वजह से आप कॉन्शियस हैं वो ये है कि हमारे अंदर इंग्लिश की वो वोकैबुलरी या इंग्लिश की स्पीकिंग नॉलेज कम है। जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये याद रखिए, इफ यू फील दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, यहाँ अंग्रेज तो ठीक है, यहाँ अंग्रेज तो नहीं है कोई, इंग्लैंड से तो नहीं आए ना, यहाँ पर सब इंडियंस हैं और हम लोग हिंदी समझ सकते हैं ना। आई हैव चूज़न ना, आज की स्पीच में इंग्लिश में भी दे सकता था, इंग्लिश मुझे थोड़ी बहुत आती है तो कर सकता था, लेकिन आज मैंने चूज किया था आई विल स्पीक इन हिंदी। वो इसलिए किया कि जनरल में सब लोग समझ सके। अगर आप कंफर्टेबल हैं दैट यू हैव टू स्पीक इन हिंदी और उर्दू किसी में भी, स्पीक इन दैट लैंग्वेज विदाउट एनी हेजिटेशन, एक चीज वो आपको वो चीज बड़ी कॉन्फिडेंस दिलाती है। दूसरी चीज ये है कि ये स्किल है, कम्युनिकेशन या स्पीकिंग जो है वो एक स्किल है और वो प्रैक्टिस से आती है। कहीं भी मौका मिले कोई एक टॉपिक चुन के उसको स्पीच के तौर पर दीजिए ना। करना ये चाहिए था कि आप एक स्पीच किसी टॉपिक पर प्रिपेयर करते, अपने एक्सपीरियंस पर प्रिपेयर करते और हम सबसे इस फोरम पर आप शेयर करते, तो आपका ये दिल जो है वो खुलता है, हेजिटेशन निकलता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कोशिश करें और आप अच्छे स्पीकर ना बन पाएं, ये हो नहीं सकता, मैं मानने के लिए तैयार नहीं। अगर मुझ जैसा आदमी आपके सामने बोल सकता है तो सब बोल सकते हैं, जैसे एब्सोल्युटली ट्रू। और टीचर तो खासतौर से रोज बोलता है वो खड़े होकर बच्चों के सामने, तो यू कैन डू दैट। अगेन मैंने आज तक
मेरा एक जुमला है जो अगर आप मेरे जितनी क्लास में रह चुके हैं बच्चे उनसे अगर आप कहेंगे मेरे बारे में पूछेंगे तो कि उनका एक फेवरेट जुमला क्या है, तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ रीडिंग इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो रीडिंग है। हम इससे पहले जो आप लोग थे मैंने ग्रामर की बात की थी कभी याद है? मैंने कहा था, मैंने बताया था अगर आप किसी भी आदमी से पूछेंगे, पुराने आदमी से या पेरेंट्स से पूछेंगे, बोलता है ग्रामर तो कोई पढ़ाते ही नहीं। और मैं उनसे ये पूछता हूँ कि ग्रामर की इम्पोर्टेंस क्या है इंग्लिश में या किसी भी मैटर किसी भी लैंग्वेज में क्या इम्पोर्टेंस है? क्या मैं हर सेंटेंस जो बोल रहा हूँ ये सोच के बोल रहा हूँ कि मैं नाउन कहाँ लगा रहा हूँ और वर्ब कहाँ लगा रहा हूँ, एडजेक्टिव कहाँ लगा रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ पास्ट टेंस में बोल रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस में बोल रहा हूँ, फ्यूचर टेंस बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ? नो, ग्रामर इज इम्पोर्टेंट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन पर्पजेस। एग्जाम में तो क्या ग्रामर आती है तो हमें ग्रामर मालूम होनी चाहिए, अदरवाइज ग्रामर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इंग्लैंड के अंदर जो बच्चे छोटे होते हैं पैदा होते हैं बड़े होते हैं उनको पहले ग्रामर नहीं समझाई जाती जिससे कि वो इंग्लिश सीखे या बोले। आप यहाँ पर आपके जो छोटे छोटे बहन भाई हैं उनको जब आप सिखाते हैं बोलना तो उसे कभी ये नहीं कहते कि तुम एक स्त्रीलिंग होता है एक पुल्लिंग होता है उसके अंदर जाती हूँ बोलते हैं उसके अंदर खाती हूँ बोलते हैं खाता हूँ बोलते हैं। बच्चे ऑटोमेटिकली पिकअप करते हैं और यही बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ खा रहा हूँ जा रही हूँ खा रही हूँ। दे ऑलवेज स्पीक। सो ग्रामर इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज दैट हाउ मच डू यू रीड। और जितना कंटिन्यूसली आप पढ़ेंगे ऐसी चीज़ें जिसमें डायलॉग है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉमिक्स आर द बेस्ट, क्योंकि कॉमिक्स में डायलॉग्स होते हैं तस्वीर के साथ साथ, तो आई यू नो कि वो सेंटेंसेस क्या है। इकट्ठा करेंगे और अलग अलग जगह पर लगा देंगे फिर उनसे बड़े पेड़ बनेंगे उनमें फल आएंगे। तो इस तरह से डॉक्टर शान ने भी एक पौधा लगा दिया और ये सारे फल बैठे हुए हैं और जिनसे कि मुझे बहुत उम्मीद है कि आप में से भी कुछ लोग उठेंगे खड़े होंगे कि हाँ हम भी इस तरह से डॉक्टर शान की मदद से अपने यहाँ पर ऐसे चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए ना। सभिया का एक्टिव पार्टिसिपेशन देखकर मुझे ये लगता है कि शी कैन क्रिएट अ टीचर्स ग्रुप और व्हाट्सएप पर, लेकिन व्हाट्सएप फॉर गॉड से डॉक्टर शाम साहब यहाँ बैठे हैं उनसे भी मुझे बड़ी शिकायत रहती है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे उल जल उल वॉट एवर इट इज, अगर किसी दाढ़ी वाले का चेहरा देखा किसी वीडियो में तो पास ऑन कर दिया, बाद में देखा कि उसके अंदर है क्या। ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए है कि वो चीज़ जो आप कम्युनिकेट ऐसे नहीं कर सकते उनको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कामों में वो आप शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। और आप यकीन जाने कि प्रॉब्लम आप बताएंगे सॉल्यूशन हम तलाश करेंगे और आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे कभी कोई बड़ी तकलीफ होती है कि लेडीज का कंट्रीब्यूशन नहीं के बराबर, जबकि आप लोग 50% ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन आपका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं सोसाइटी के लिए। और इसकी वजह से कभी हम लोगों ने सही अंदाज, एक तो गुनाहगार बनते हैं दूसरे हमारा टाइम वेस्ट होता है। ज़रूरी ये है कि कंस्ट्रक्टिव, अगर आपने आधा घंटा भी कंस्ट्रक्टिव काम में दे दिया तो आप यकीन जाने के लिए नशे की तरह आपको लग जाएगा और आप बहुत अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब आज के बाद से इंशाल्लाह
100% देने की कोशिश करेंगे और मैं लास्ट में आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बड़ा पेशेंसली वक्त दिया अपना इस ठंड के अंदर वक्त दिया, वरना हम लोग जब छुट्टी होती है तो हम लोग क्या चाहते हैं कि घर में पड़े रहें तो ज़्यादा चाहे लिहाफ ना छोड़ के जाएँ तो अच्छा। और मेरा जैसा आदमी बुढ़ापे में तो और चाहता है कि मैं बिल्कुल ही ना इधर उधर तो अच्छा है, सब चीज़ वहीं मिल जाए मुझे। लेकिन आप लोगों ने बड़ा वक्त निकाला, हम आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं एंड डॉक्टर शान उनकी टीम KWS होटल वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी मेम्बरान हैं उनका कंट्रीब्यूशन, अलमास फाउंडेशन का कंट्रीब्यूशन और उसके साथ साथ डॉक्टर नफीस का कंट्रीब्यूशन, अरे रिमार्केबल है, ये रिमार्केबल है। और हम लोग जो हैं उनके इंडेप्टेड हैं, उनका ये फर्ज है उनका कि उन्होंने हमको आके इतना वक्त दिया है और आइंदा भी उनसे उम्मीदें हैं कि ये हमें और सिखाएंगे जो हम आपको पास ऑन करेंगे। और कुर्चे में हमको ये तहत करना चाहिए, ये रेवोल्यूशन की तरह ज़िंदगी में जितने भी रेवोल्यूशन आए हैं कहीं पर, चाहे कम्युनिस्ट का रेवोल्यूशन हो, चाहे वो कम्युनिस्ट के खिलाफ रेवोल्यूशन रहा हो, इसमें हर जगह हमेशा टीचर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। यू कैन चेंज द सोसाइटी माइंड, मगर ज़रूरत यह है कि हम लोग जो हैं अपने अंदर वो जज्बा वो जोश नहीं रखते, अपने आप को टीचर समझते नहीं हैं। आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। अच्छा मास्टर है आप? अच्छा मास्टर है का मतलब यह है कि तुम सबसे गिरी कौम हो, तुम्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अरे अगर हम टीचर हैं तो इसका मतलब यह है कि सबसे गिरे हुए आदमी हैं। हमारी अगर तुम्हें हैसियत मालूम हो जाए, अगर तुमने हमें जरा सी भी तवज्जो दी होती तो हम वो करके दिखा सकते थे जो किसी ने भी करके नहीं दिखाया। तो इसके लिए आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने प्रोफेशन के ऊपर फख्र करें, यस आई एम अ टीचर, और उसको प्रूव करें ना। जब आप उसका बच्चा उसी आदमी का, अच्छा आप मास्टर हैं, जब उसका बच्चा आ जाता है आपके पास, अरे मैडम देख लीजिएगा कर दीजिएगा, फिर वो खुशामदें शुरू हो जाती हैं। कभी भी पेरेंट्स के कहने पर बच्चों को प्रमोट न कीजिए, उनको खुशियाँ दें, तरक्की दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने के लिए, तो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए हम लोग एक कुएं के मेंढक हैं, इससे ज़्यादा तो हम नहीं सोच सकते जब तक कि हमें एक्सपोजर नहीं मिलेगा। अगर आज आपके स्कूलों में बाहर के टीचर्स आकर पढ़ा रहे होते तो आप यकीन जाने के लिए स्कूल आपके ऐसे न होते जैसे हैं, वो आपकी वजह से। वेन एवर अ पर्सन कम फ्रॉम आउटसाइड दे ब्रिंग देयर ओन नॉलेज, वो अपनी नॉलेज लेकर आते हैं और वो फिर आपको डिलीवर करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें बाहर से मदद मिले, और ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हमको ये MFRD के थ्रू और डॉक्टर शान की मेहनत के थ्रू ये सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं, अवेलेबल हो गई हैं। सही नहीं होता है कि टाइम में कितनी टाइम लगाना पड़ता है और जो सी एस सी की जो ट्रेनिंग होती है कितना खर्चा होता है, कहाँ जाना पड़ता है, थोड़ा बताइए लोगों को, यहाँ सब उनको प्रोवाइड करा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, जितने भी ये ऑर्गेनाइज होते हैं इस तरह के, वो भी वन डे सेमिनार जो ऑर्गेनाइज होते हैं, इसके अंदर 6,000 से 8,000 रुपये जो है वो एक ट्रेनर जो है वो लेता है एक दिन के, और जो स्कूल ऑर्गेनाइज करता है उसके जो पैराफर्नेलिया उसके साथ अटैच होते हैं वो सारी चीज़ें जो करनी पड़ती हैं वो अलग से होती हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको फ्री में दे सके, वैसे भी आजकल कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, लेकिन ये ऊर्जा वेलफेयर सोसाइटी का अजम है कि हम कुछ करके दिखाएं, और उन्होंने इसमें बड़ी मेहनत की है और इसके वजह से हम आपको जितनी भी ये चीज़ें अरेंज कर रहे हैं वो आपके लिए फ्री में, ये आपके लिए फ्री में, वरना
कम से कम आपसे जो है वो 500 से 1000 रुपए लिए जाते सिर्फ इन चीजों को अरेंज करने के लिए, इसका फायदा उठाइए, मैक्सिमम आइए, अपने साथ जिन साथी टीचर्स को आप ला सकते हैं लाइए, जिससे वो भी फायदा उठा सकते हैं, एक कम्युनिकेशन आपस में पैदा हो कि जाने एक दूसरे को, आप लोग भी जाने, सब लोग जाने एक दूसरे को, और जितना आपस में आपका कम्युनिकेशन होगा उतना ही फिर हमारे जद्दोजहद चलती है, नई चीज़ें डेवलप होती हैं और हम नए काम कर सकते हैं। ठीक है सर, 6 से 8 हज़ार रुपये जो आपने बताया तो पर हेड होना चाहिए सर। जी बिल्कुल, नहीं वो उसका केंद्रीय विद्यालय के बजाय में बताया था, वो मैं ये बता रहा था आपको कि ये जो सीबीएसई करता है वो जब आपका आदमी अपना ट्रेनर भेजता है तो ये उसकी फीस होती है, तो वो ये दे देता है 8000 रुपये। अब जितने भी टीचर्स हैं क्योंकि वो स्कूल के टीचर्स होते हैं तो उनको पे करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब वो दूसरे स्कूलों में जाते हैं तो वहां पर वो मेंबरशिप देते हैं और वो करीब 500 रुपए फीस होती है उसकी हर टीचर, कहीं ना कहीं 500 रुपए पढ़े और 1000 रुपए पढ़े होती है फीस। अगर मैं जाना हूँ किसी स्कूल में ट्रेनिंग लेने के लिए तो वो मुझसे फीस चार्ज करेंगे, अपने स्कूल वालों के लिए हो सकता है वो फ्री कर दें। एक बात हमने ये कल सर बता रहे थे, जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं इनके लिए जरूरी होता है कि साल में कम से कम 12 या 25 क्लास वो वर्कशॉप अटेंड करे जाकर, और वो शहर से बाहर होती है, कभी दिल्ली में, कभी कहीं, कभी कहीं, वहाँ चाहे आपके पास छोटा बच्चा है, कुछ भी है, घर की कोई प्रॉब्लम्स है, लेकिन वहाँ आपको जाना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। ये सोचिए आप कि आपको घर से बाहर जाना पड़े 12 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, तो कैसा मुश्किल काम होगा, यहाँ तो आपको घर पर हो रहा है सब काम, और उसके लिए बड़ी मोटी मोटी अच्छे खासे चार्जेस उनके आते हैं, और बड़े वो उसके बेसिस पर आपका प्रमोशन होता है, आपकी नौकरी सिक्योर होती है, उन ट्रेनिंग के बलबूते पर। आप ये सोचें कि हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे, यहाँ से मुझे गाजियाबाद जाना पड़ेगा, वहाँ पर रहना पड़ेगा 12 दिन एक दफ़ा, साल में 2 बार जाना पड़ता है 12 दिन के लिए, और वो जाना ज़रूरी है आपको अगर नौकरी करनी है तो, सोचिए आप, और वो भी बड़ी एक्सपेंसिव होती है, आपको सुबह 7 बजे जगा देंगे और बता। आप ये देखिए कि माशाल्लाह 70+ होते हुए आज भी इनके अंदर एक जज्बा है आप लोगों को सिखाने का, और आप सभी लोग अभी यंग हैं, आप लोग कोशिश करें कि सीखें, और ये अपना एम बनाएं कि हमें सीखना है और सिखाना है और एक दूसरे को सिखाएं। जैसे अभी यहाँ बात आ रही थी तो आप ये भी कर सकते हैं कि कभी भी आप अपने अपने टॉपिक्स तैयार करिए और हम उसके लिए आपके लिए वर्कशॉप अरेंज करें और आप खुद लेक्चर डिलीवर करें। असल हमारा फ़ायदा, असल जो हमारा एम तो ही पूरा होगा कि आप में से हर टीचर एक बेहतरीन लेक्चर देने वाले बन जाए, एक बेहतरीन स्पीकर हो आप, जब आपका फील्ड है, आपने ये पसंद किया और आप इसमें काम कर रहे हैं तो इसको अपना बिल्कुल जिंदगी का एक मकसद बना लें कि हमें सबसे बेस्ट देना है अपना। हम ये भी चाहते हैं कि हम आइंदा आपके लिए हर तरह से फैसिलिटी देने के लिए तैयार है, आप जब भी कहेंगे आपके लिए वर्कशॉप कराने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोग आ गए हैं, आप में से कुछ लड़कियाँ, कुछ हमारी टीचर्स आ गए हैं कि सर आइंदा हम तैयार करेंगे कि हमें क्या टॉपिक्स चाहिए बात करने के लिए और हमें किस सब्जेक्ट पर बात होनी चाहिए, हमारे लिए कैसे स्पीकर्स होने चाहिए, आप सारा प्रोग्राम तैयार करें, हम उसमें हेल्प करेंगे, सारे सुविधाएं आपको, सारी सहूलियात हम आपको फराहम कराएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। लेकिन आप लोग आ गए हैं, अब तो हमारा पसंद से जो हमने हमें अच्छा लगा, हमको टॉपिक रख दिए, वो सब्जेक्ट रख दिए, लेकिन एक्चुअली आप चाहते क्या है, आपको ज़रूरत क्या है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं क्या ज़रूरत है, जो आपके यहाँ गार्जियन बच्चों के उनके क्या ज़रूरत है, ये आप हमें बेहतर बता सकती हैं। तो इसके लिए आप लोग कोशिश करें और एक टीम बनाएं और इसकी जिम्मेदारी आप ध्यान आप में से कोई ले कि कम से कम 10 टीचर या 5 टीचर इस तैयार इस बात के लिए तैयार हों कि आइंदा वो काम करेंगे इस पर। हम हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे, कोई आ गया है, बल्कि अभी कोई नाम बताया तो बहुत चलेगा, मैं चाहता हूँ लेडीज़ टीचर्स हैं, इसे भी सबने बताया कि देखिए दुनिया में आधी आबादी आप लोगों की है और कई मुल्कों में तो आपकी आबादी हमसे ज़्यादा हो रही है, तो आप लोग भी काम करिए ना आपके लिए, आप लोग आगे बढ़िए, हम आपको सपोर्ट करें तैयार बैठे में, आप लोग अपने ऐसे ग्रुप बनाइए जो आप लोग कुछ काम कर सकें। इंशाल्लाह हर तरह की फैसिलिटी हम आपको देंगे, जैसे आपको कहीं भी जगह चाहिए, स्पीकर चाहिए, आपको ये LED चाहिए, कोई स्क्रीन प्रोजेक्टर चाहिए, कोई भी मतलब एकोमोडेशन चाहिए बात करने के लिए, उसमें हम आपके हेल्प करने तैयार हैं। आपको कोई बाहर से स्पीकर चाहिए हम आपको अरेंज करके देंगे, इसके लिए तैयार हों, आज 2 या 3 टीचर तैयार होंगे हम इसके लिए काम करेंगे, आपके लिए आसान है।
भाई हमारा तो कॉन्टेक्ट करना भी आपको बहुत मुश्किल होता है, स्कूल में जाए प्रिंसिपल से मिले आप वहाँ फिर आपके स्कूल मैनेजर से उनसे आपका कायम करें, अगर आप लोग इसमें से उठेंगे तो आपके लिए आसान होगा, हमारे लिए बहुत आसान होगा। जी बच्चे कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा इसके लिए अपने आप बताएं मुझे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी आप सोचें और हिम्मत करें नाम बताएं अपने। दूसरी बात ये कि कल मिसेज अलमास अब्बासी साहब आ रही हैं, जो आपने पहले भी सुना साबिया अब्बासी की छोटी बहन है वो, और बहुत ही लर्नड पर्सन है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, और बहुत सारी उनको मतलब डिग्री हासिल की है उन लोगों ने, और साथ में कई स्कूल की वो प्रिंसिपल भी रही है, और आज भी अपनी फाउंडेशन में काम कर रही है। तो कल का लेक्चर भी बहुत आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। कल आप लोगों को पूरी स्ट्रेंथ में आना है और कोशिश जरूर करिए कि आप अपनी सहेली को साथ लेकर आए। देखिए जो आपके शहर के हैं, जब आप चाहेंगे बुला लेंगे सर को, लेकिन वो कोई दहली से आ रहा है, आपका कैंप जब छोड़कर आ रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग थोड़ा सा हिम्मत करें और कल थोड़ा सा अपनी सहेलियों को फ़ोन करें। आज आप अपनी सहेलियों को बताएं कि आप कहाँ सीख रही हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है और आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसके लिए आप सब लोग कोशिश करेंगी। दूसरा ये कि अभी आप, मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि आप में से कोई 3-4-5 टीचर अपना नाम पेश करें कि आएगा वो इस कमाल को संभाले, जो भी इस तरह प्रोग्राम हो आप लोग संभाले, उसको आप काम अरेंज करें मैनेज करें, बाकी हेल्प किया बैठेंगे आप। कौन हिम्मत करेगा आप में से बताइए। रुकैया मैम बोल रही है एबीसी पब्लिक स्कूल से, MIS की टीचर बोले आयुष की बोले। देखिए ऐसा है, इसमें हो सकता है कि आप अभी ना बोले, ये जिम्मेदारी देने पे होता है, आपकी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी बना दीजिए जी कि ये ग्रुप बनाए और इसको वो लीड करें। देखिए जो बाप के अंदर जज्बा है वो बेटियों में डेफिनेटली होगा, और इंशाल्लाह वो बना सकेंगे, अपना ग्रुप बना सकेंगी, डिस्कस करें, उसको लीड करें, जहाँ पर जिस तरह की मदद चाहिए वो आप बता दिए, वो आपकी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। चलिए इंशाल्लाह कल एक मीटिंग और रहेगी आपसे सोचने का मौका ना, कल तक है, कल आप बताइए, कल कम से कम हर स्कूल से 2 टीचर आगे आ जाए, मेरी ये कोशिश है, आप लोग हिम्मत करें, हर स्कूल से 2 टीचर आगे आए, और फिलहाल हमारे पास 4 स्कूल है, हर स्कूल से 2-2 टीचर आएंगे, 8 टीचर हो गए आप लोग, तो 8 तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए कल का मौका मिलता है आपको, कल आप जरूर जाइएगा। आज आप आएँ, बहुत आपने टाइम दिया, इतना कीमत दिया, जुमा भी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छी लैंग्वेज में आपने लेक्चर डिलीवर किया, इसके लिए मैं एक बार